हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास टू न्यू लर्न वेल ऑल इन वन सेमेस्टर वन से मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर टू, जो कि है ऑर्डिनल नंबर्स। एक होते हैं सिंपल नंबर्स और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। सिंपल नंबर्स को हम किस तरह से लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, ये न्यूमरल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूमरल्स कहलाते हैं। और जब इनको हम किसी की पोजीशन के अकॉर्डिंगली, उन नंबर्स के पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम जब उनको बताते हैं तो वो हो जाते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। क्या हो जाते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। लेट अस सी, जैसे अपन लोगों ने लिखा कि फर्स्ट क्लास में आते हैं आप, तो आप या तो FIRST फर्स्ट लिख सकते हैं या फिर 1ST लिख सकते हैं। जबकि अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑर्डिनल नंबर में हम फर्स्ट लिख सकते हैं। आप सेकंड क्लास में हो तो हम उसको सेकंड लिखेंगे, SECOND सेकंड, और 2 के बाद ND लगा देंगे। तो इन नंबर्स में बेसिकली क्या होता है कि जो काउंटिंग होती है उस काउंटिंग के पीछे के जो दो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट में लास्ट में ST है तो आप 1 लिख करके ST लिख देंगे, सेकंड के लास्ट में ND है तो आप 2 लिख करके ND लिख देंगे, थर्ड के लास्ट में RD है तो आप 3 लिख करके RD लिख देंगे, फोर्थ के लास्ट में अभी TH है, फोर्थ TH, तो आप 4TH लिखेंगे, मतलब 4 की स्पेलिंग लिखी और TH लिख दिया तो फोर्थ पोजीशन हो गई। फिफ्थ के लिए भी आप 5TH लिखेंगे, सिक्स्थ के लिए 6TH, सेवन के लिए 7TH, एट के लिए 8TH, नाइन के लिए 9th और 10 के लिए 10th। तो ये सारे हमारे 1 से 10 तक के ऑर्डिनल नंबर्स दिए हैं, जिनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी ऑर्डिनल नंबर्स को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसके रिप्रेजेंटेशन को भी आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। चलिए अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं। हमने बताया आपको ऑर्डिनल नंबर जो है वो पोजीशंस को बताते हैं, कौन सी जगह पर क्या है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद में एक छोटी सी एक्सरसाइज। हमको मालूम है कि हम अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं जिसमें ABCDEFGHIJK ऐसा हम लिखते जाते हैं। तो हम जानते हैं कि A जो है वो हमारा कौन सी पोजीशन पे लिखा जाता है। A लिखा जाता है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम उसको फर्स्ट से मैच करेंगे। B हमारा कौन से पोजीशन पे होता है, सेकंड पोजीशन पे होता है, तो वहाँ उसको हम सेकंड से मैच करेंगे। C कौन से नंबर पे होता है, थर्ड नंबर पे होता है। D फोर्थ, E फिफ्थ, F सिक्स्थ, G सेवेंथ, H एट, I नाइन्थ, J टेंथ। तो A से J तक 10 अल्फ़ाबेट होते हैं जिनकी पोजीशन फर्स्ट से लेकर के 10th तक काउंट की जाती है। अब इसके बाद इसके आगे 11 से हम किस तरह से ऑर्डिनल नंबर लिख सकते हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, 11 और उसके साथ TH लगा दिया, क्या बन गया, 11th। 12 TWELF और TH, 13 TH, 14 TH, 15 TH, इसी तरह से 20th TWENTIE, 20 TWENTIE,
20th. अब ये हमने देखे 2011 से लेकर के 21 तक के नंबर। अब आपको एक एक्सरसाइज करवाते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि किस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यहाँ दिया हुआ है ILOVE लव, MATHE, MATICS, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया, आई लव मैथमेटिक्स। तो अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे है। अब ये पूछ रहा है ब्लैंक इज द थर्ड लेटर ऑफ सेंटेंस, इस लेटर इसका सेंटेंस का थर्ड लेटर कौन सा है। तो दैट इज योर फर्स्ट, नाउ देन सेकेंड, नाउ देन थर्ड, दैट मीन्स ओ इज द थर्ड लेटर। सेकेंड है द इलेवेंथ लेटर ऑफ द सेंटेंस, अगेन वी विल काउंट द स्टार्ट द काउंटिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ। एम, एम कहाँ पर आ रहा है, इलेवेंथ पोजीशन पे आ रहा है। तो आप यहाँ खाली बॉक्स में क्या लिख देंगे, एम। ब्लैंक इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, आई इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। ब्लैंक इज द सेवेंथ लेटर ऑफ द सेंटेंस, वन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ ए। तो ए इज द सेवेंथ लेटर ऑफ द सेकेंड। एल, सिक्सटींथ लेटर, अगेन वी विल काउंट द काउंटिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टींथ सिक्सटींथ। एस, एस इज द सिक्सटींथ लेटर। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको इन ब्लैंक्स को भरना है। फोर्टीनथ लेटर कहाँ पर आएगा, फोर्थ लेटर कौन सा होगा, फिफ्टींथ लेटर कहाँ पर आएगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब फोर बोला जा रहा है तो फोर्थ पढ़ेंगे हम, फोर्टीनथ पढ़ा जा रहा है तो फोर्टीनथ काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है जिसमें आपको वही जैसा हमने अभी पहले समझाया कि कौन किस पोजीशन पे है उसको बताना है। ठीक है ना, टॉर्टोइस जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, टॉर्टोइस फर्स्ट पोजीशन पे है। काउ की पोजीशन क्या है, डियर की पोजीशन क्या है, लॉयन किस पोजीशन पे है, टाइगर किस पोजीशन पे है, रैबिट और मंकी। तो इस तरह से आप काउंट करते जाएंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिखते जाएंगे। तो ये थे हमारे एक एक्सरसाइज, और यहाँ पर आपको एक और एक्सरसाइज है जो कि आपको अपनी कॉपी में करनी है। आपको इस तरह से एक ड्राइंग बनानी है जिसमें रेनबो है, और इस रेनबो को में कलर भरने हैं, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो और वायलेट, और उसके बाद में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। वायलेट इज द फर्स्ट, ब्लू इज द थर्ड, ग्रीन इज द फोर्थ, इंडिगो इज द सेकेंड, रेड इज द, काउंट कर लेंगे यहाँ से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ। ठीक है, तो रेड इज द सेवेंथ कलर इन द रेनबो। इसके बाद अपन एक एक्सरसाइज देख लेते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। जनवरी इज द
अब आप जनवरी फर्स्ट मंथ है तो आप यहाँ पर फर्स्ट मंथ को चॉइस करेंगे। कार्डिनल नंबर्स फॉर 12th इज 12, ऑर्डिनल नंबर 4 इज 4th, ऑर्डिनल नंबर फॉर 19 इज 19th, ट्रू फॉल्स, मई इज द 4th मंथ ऑफ द ईयर, फॉल्स, फरवरी इज द 2nd मंथ ऑफ द ईयर, ट्रू, 19th इनवर्ड इज 19th, ट्रू, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, यस ट्रू, वॉयलेट इज द फर्स्ट कलर इन द रेनबो, ट्रू। तो इस तरह से आपको ये भरना है और लेटर वर्ड, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक लेटर वर्ड दिया हुआ है प्लेयर, उसमें एल पी आर एम एस और टी की पोजीशंस भरनी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर। आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करिए।